नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। पुलिस नक्सली मुठभेड़ से दहला जंगल, भाकपा माओवादियों के गढ़ में घिर गया रविंद्र गंजू दस्ता। गुमला जिले में भाकपा माओवादियों के गढ़ बनालात के जुड़वानी केरा कोना जंगल में रविंद्र गंजू के दस्ते के साथ पुलिस की शनिवार को मुठभेड़ हुई। दोनों तरफ से एक घंटा तक रुक रुक कर फायरिंग हुई। इस जंगल में 5 माह पूर्व आईईडी विस्फोट में एक ग्रामीण की जान जा चुकी है। बताया जा रहा है कि नक्सली रविंद्र गंजू के दस्ता को घेरा जा रहा है। गंजू का दस्ता जुड़वानी जंगल में फंसा हुआ है। गुमला जिले में भाकपा माओवादियों के गढ़ बनालात के जुड़वानी केरा कोना जंगल में रविंद्र गंजू के दस्ते के साथ पुलिस की शनिवार को मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से एक घंटे तक रुक रुक कर फायरिंग हुई। गोली चलने की आवाज आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने सुनी। सूत्रों के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान 5 से 6 बड़े धमाके की आवाज सुनी गई और रुक रुक कर गोलियों की आवाज लगभग एक घंटे तक आती रही। हालांकि इस मुठभेड़ में दोनों पक्षों में से किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बताया जा रहा है कि जैप और जगुआर पुलिस बल 3 दिन पूर्व से ही एसपी के नेतृत्व में गुमला जिले के बनालात इलाके में माओवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। इसी क्रम में शनिवार के जुड़वानी केरा कोना जंगल में माओवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। इस अभियान में एसडीपीओ इंस्पेक्टर, थाना प्रभारी, एसआई समेत अन्य जवान शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक एक घंटा चली मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की कोई सूचना अब तक नहीं मिली है, परंतु पुलिस माओवादियों पर भारी पड़ रही है। बताया जा रहा है कि नक्सली रविंद्र गंजू के दस्ता को घेरा जा रहा है। गंजू का दस्ता जुड़वानी जंगल में फंसा हुआ है। पुलिस उसके दस्ते को घेरने का प्रयास कर रही है। इस जंगल में 5 महीने पहले आईईडी विस्फोट में एक ग्रामीण की जान जा चुकी है। आपको जीएन भारत यहां पर यह जानकारी देना चाहेगा कि 19 अगस्त को माओवादियों द्वारा जुड़वानी के केरा कोना जंगल में बिछाए गए आईईडी बम की चपेट में आने से मवेशी चराने गए जुड़वानी गांव निवासी बुद्धू नगेशिया की डेथ हो गई थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।